संसद भवन का उद्घाटन कीजिए, उसमें जाइए, बहुत अच्छी बात है, पर हमारी बातों को, हमारी उचित मांगों को सरकार के पास रखिए। आप हमारे सिंह साहब चाहते हैं तो बीके सिंह साहब आज की डेट में संसद में एक प्रतिनिधि के तौर पे खड़े हैं फौजियों के, जब उनको वोट चाहिए था, जब उनको ओआर ओपी टू की विसंगतियां, ऐसी विसंगतियां जिनको कहा नहीं जा सकता, जिनके बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूर्व जवानों को, पूर्व सैनिकों को ठगा गया। कारगिल के योद्धा हमारे साथ हैं जिन्होंने कारगिल में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे और अब वो पूर्व जवान हैं, लेकिन जब उनका दिल दुखता है कि कैसे आज पूर्व जवानों को जंतर मंतर पे खड़े होना पड़ रहा है, धरना पे बैठना पड़ रहा है, कई दिन हो गए हैं, अब तो 100 दिन लगभग होने वाले हैं, 31 मई को हो जाएंगे, लेकिन उसके बीच में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। क्यों आ गए जंतर मंतर सर? पूर्व जवान, आपको तो जवान पूरा देश सैल्यूट करता है, क्यों आ गए? सर हम भी पूरे देश को सैल्यूट करते हैं। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं हृदय से सैल्यूट करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो हमारी मुहिम है, हमारी मांग है, आप अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी पूर्व सैनिक हैं सभी आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सर ये जो लगातार बात उठ रही है कि सरकार से मांग हो रही है कि पूर्व सैनिकों को बहुत कम मिला ओआरओपी टू में, सारा अफसर खा गए, लेकिन जब अभी हाल फिलहाल में जनरल वीके सिंह का एक बयान आया वो तो एकदम उलट बात कह रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए जनरल वीके सिंह साहब भी वही कर रहे हैं जो एक अधिकारी को कहना चाहिए था, उन लोगों ने भी तो वही किया, वो उसी श्रेणी में आते हैं, उनका कहने का तात्पर्य वही था, हम वही हैं। आज भी तानाशाही उनके दिमाग में है, नहीं तो उन्होंने क्लियर बोला कि हम अफसरों को 6% मिला है। आप खुद सोचिए, आप तो मैं देख रहा हूँ जिस दिन से हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से आप यहाँ पे खड़े हैं और हजारों लोगों का आपने बाइट लिया होगा और सबसे यही सवाल पूछा होगा तो आपको फर्क पता चल गया होगा, वो बोलते हैं कि 96% जो दिया है। कोई ना कोई तो गलत स्टेटमेंट दे रहा है, या तो वीके सिंह दे रहे हैं या इतने सारे पूर्व सैनिक। पूर्व सैनिक तो सीधे सच्चे हैं, कहाँ से आंकड़ा निकाला है वीके सिंह ने, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? देखिए वीके सिंह का अपना दिमागी आंकड़ा, ये एक जो ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है आप कह रहे हो? नहीं, ये एक इस आंदोलन को या हमारे देश के जो पूर्व सैनिक हैं उनको भ्रमित करने का एक संदेश दिया है बीके सिंह साहब ने। बीके सिंह साहब चाहते हैं तो बीके सिंह साहब आज की डेट में संसद में एक प्रतिनिधि के तौर पे खड़े हैं फौजियों के, जब उनको वोट चाहिए था, जब उनको जीतना था, जब वो पहली बार इलेक्शन लड़े थे एमपी का, उस समय उनको पूरे फौजियों का सपोर्ट मिला और बोलते थे मंच के बोला बीच में जाके, ये हमारे फौजी हैं, हमारे सैनिक, हमारे जवान हैं। आज बीके सिंह साहब की भाषा बदल गई है। ये जो अभी हाल फिलहाल देश के अंदर जो हो रहा है, पूर्व सैनिक लगातार धरने पे हैं, इसके बीच में संसद भवन की बात आ रही है कि उसका इनॉग्रेशन की बात हो रही है, देश उत्सव सा मना रहा है कि देश संसद में जाएगा, नई संसद में जाएगा, लेकिन पूर्व सैनिक जो देश की आन बान और शान थे वो जंतर मंतर पर, कैसी विसंगति है, मतलब क्या कहेंगे आप इसको? देखिए ये तो हमारे देश के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है कि आज राष्ट्र का सैनिक, पूर्व सैनिक, सैनिक क्या होता है, राष्ट्र का सम्मान होता है, सम्मान सड़कों पर है, ये हमारे लिए भी और मोदी सरकार के लिए भी बड़े शर्म की बात है। जनरल बीके सिंह साहब भी एक पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए भी बहुत बड़े शर्म की बात है। आप नए संसद भवन का उद्घाटन कीजिए, उसमें जाइए, बहुत अच्छी बात है, पर हमारी बातों को, हमारी उचित मांगों को सरकार के पास रखिए। आप हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पे, क्या लगता है कि सरकार को नुकसान होगा या जो पार्टी अभी रूल कर रही है उसको नुकसान होगा अगर इसी तरह की भाषाएं स्टेटमेंट आती नहीं, जो कि मंत्रियों की जिस तरह की भाषा आ रही है तो सरकार को नुकसान होगा? देखिए बीके सिंह साहब ने जो बोला है वो एक निराशा पैदा करता है और हताशा निराशा सैनिकों, हाँ, के अंदर, सैनिकों के अंदर जो पैदा हो रहा है ये उनकी बातों से। और दूसरा एक और इसमें बहुत गहरी चाल है, सरकार का कुछ ऐसा लोबी और अधिकारियों की एक लोबी हमारे जो आंदोलन को कमजोर करना या तोड़ना, उनकी मंशा तो शुरू से रही है। आपने कर्नल साहब का भी देखा था, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि इनको दबाया जाए,
बाद में बेशक उन्होंने माफ़ी मांगा वो अलग चीज़ है, लेकिन इनकी मंशा यही है कि किसी भी तरह भ्रमित किया जाए पूर्व सैनिकों को, और वो गलत है। मैं बोलता हूँ इसलिए गलत है क्योंकि आप भी एक पूर्व सैनिक हो, पर आज आप वही कर रहे हो जो आपने सेना में रहते हुए किया। सैनिकों को दबा के रखना, सैनिकों का जो विकास है जिस टाइप से आज की डेट में जो ये वन रैंक वन पेंशन से या जो भेदभाव सेना में है उसकी वजह से भारत की सेना कमजोर हो रही है। हम यहाँ सिर्फ अपने दो पैसों के लिए या मांग के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़, हम उस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उस देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उस देश की सैनिक को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं। अब क्या लग रहा है पांडे जी, जिस तरह से ये आंदोलन बढ़ रहा है, अगस्त के महीने में बड़ी कॉल है रामलीला मैदान की, ऐसा सुनने में आ रहा है, अपुष्ट खबरें आ रही हैं सूत्रों से आ रहा है, तो अभी 31 मई को भी शायद प्रोग्राम होगा आपका बड़ा, अगस्त की क्या तैयारी है? देखिए अभी तो इसका ओपन नहीं किया गया, जो फेडरेशन की तरफ से जो आदेश, देखिए जब तक एक कमेटी बनी है वो कमेटी जब ओपन कर देगी हम आपके सामने उसको बता देंगे कब की डेट मिली है हमको और कौन सी कॉल है और क्या करना है। स्पष्ट भाषा में सरकार को कहना चाहें, या सरकार को एक संदेश तो कर्नाटक से मिला है कि देखिए आप पब्लिक की नहीं सुनेंगे तो पब्लिक आपकी नहीं सुनेगी। हालांकि मोदी जी के साथ सेना थी तभी मोदी जी ने सरकार बनाया था, और हम मोदी जी से ही आग्रह कर रहे हैं और उनकी पूरी आईएएस लॉबी जो है जो इस कार्यभार को देख रही है कि मोदी जी को जो गुमराह कर रहे हैं या जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये हम क्या कह रहे हैं, हमारी जो सही मांग है आप उसको दीजिए। अगर आपको लगता जायज है, मांग है वो। जो जायज मांग आपको लगता है कि मांग गलत है, आप आइए बैठिए बात कीजिए, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने पहले अपना नेता माना अपने अधिकारियों को, उसका एक मेन कारण था कि हम लीड नहीं करना चाहते थे। लीड करने का मतलब ऐसे हमारे अंदर क्षमता नहीं थी, ऐसी नहीं है, हम इसलिए लीड नहीं करना चाहते हैं, एक सम्मान दिया जाता है। बड़ा भाई है वो एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, घर में भी आपने अपने बड़े भाई को, बड़े पिताजी को या किसी को भी जो सम्मान देते, हमने वो सम्मान दिया, लेकिन वो सम्मान के काबिल नहीं, वो सम्मान के काबिल नहीं है क्योंकि उन्होंने गद्दारी किया हम लोगों के साथ। उन्होंने गद्दारी किया, क्या कहेंगे? एकदम सही फादर साहब, मोदी जी 2013 में सैनिकों का साथ लेके प्रधानमंत्री की चेयर पर बैठे थे, और आज वही मोदी जी हैं जो हमारी तरफ देख नहीं रहे, वही मोदी जी हैं जो आपकी तरफ देख नहीं रहे। आप कुछ कहना चाहोगे मोदी जी से? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो फौजी हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, इन लोगों ने जान लगाई है इस सरकार को बनाने के लिए। अभी जैसे जनरल बीके सिंह ने बोला है, जैसे उनका जवाब है, हम चाहते हैं कि वो लोग ऐसा ना बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा ना बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। पूर्व सैनिकों में रोष है, गुस्सा है, कारगिल में जिन्होंने लड़ाई लड़ी वैसे जवान खड़े हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी समय रहते चेत जाइए वरना जो कर्नाटक में हुआ कहीं पूरे देश में ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं आपके स्टेटमेंट के साथ हूँ। हम लोग बिना किसी के खाना खिलाए अपना खा के हम जिसके खिलाफ थे उसके खिलाफत करी, आगे भी हम करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ अगर आना चाहते हो तो आओ, नहीं तो जनरल बीके सिंह जैसे को हम अपना खा के और अपना लुटा के भी उनका उनको बर्बाद कर देंगे। देखिए पूरी बहुत गुस्सा है पूर्व सैनिकों में, बीके सिंह जी के जो स्टेटमेंट आई है उस पर बहुत गुस्सा है, नाराजगी है, और लगातार कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि ऐसी ऊट पटांग बयानों से बचना चाहिए या सरकार को पल्ला झाड़ लेना चाहिए और पूर्व सैनिकों की मांग को देखना चाहिए, और अगर उनकी मांग जायज है तो उसे पूरा करना चाहिए। जंतर मंत्र से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत।